दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं आज के इस वीडियो में हमारे पास है होंडा एसपी 125 सीसी बाइक। और ये बाइक जो दोस्तों बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मिट्टी वगैरह चिपकने की वजह से, साथ साथ डस्ट वगैरह लगने की वजह से बाइक का कलर काफी हद तक फेड हो गया है, जिसके कारण सामने से देखकर ऐसा लग रहा है बाइक जो है बहुत पुराना हो गया है। तो आज के इस वीडियो में करने वाले हैं इस एसपी 125 बाइक का कंप्लीट डिटेलिंग। तो डिटेलिंग करने के लिए जो जो प्रोडक्ट्स का जरूरत होगा उसके बारे में वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, तो कृपया वीडियो के साथ बने रहे। और आप अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल आइकन को सेलेक्ट करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल में हम लाते रहते हैं। तो बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बाइक को थोड़ा सा पास से मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूल टैंक के ऊपर में देखिए पूरा डस्ट वगैरह से भरा है। फ्रंट मडगट को देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डस्ट लगा है, देख लीजिए। और यहाँ पर मिट्टी चिपक गया है। इंजन का सरफेस जो है बहुत ज्यादा गंदा है, साथ ही साथ चेन कवर के ऊपर में ये वाला जो सरफेस है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। हेडलाइट के ऊपर में भी बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह से भरा है, देख लीजिए। सीट के लेदर के अंदर के पोर्शन तक जो है डस्ट वगैरह से पूरा भर गया है। दोस्तों ये रहा कंप्लीट प्रोडक्ट्स जिसको हम यूज करेंगे होंडा एसपी 125 बाइक को डिटेलिंग करने के लिए। यहाँ पर है रेस्क्यूटेक पीडब्ल्यू 101 हाई प्रेशर वॉशर मशीन, साथ ही साथ यहाँ पर है वीएमटीसी का फोम कैनन जो कि इस प्रेशर वॉशर के साथ यूज किया जा सकता है। आफ्टर राइड मिस्टर जायंट स्नो शैम्पू है और एक 50ml का बीकर लिया है। और यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर स्पॉन्ज, यहाँ पर है एक एयर ब्लोअर मशीन, यहाँ पर है देखिए वेबएक्स का कार्नोबा वैक्स, ऑटोब्रॉस ब्रांड का लेदर क्लीनर और लेदर कंडीशनर, साथ ही साथ ऑटोस्पा ब्रांड का क्विक साइनर जो कि प्लास्टिक सरफेस या फिर इंजन वगैरह में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है ऑटोस्पा का मैट फिनिश, तो इस एसपी 125 बाइक में थोड़ा पोर्शन जो है मैट है। यहाँ पर है यूनिवैक्स का ऑल पर्पस डीग्रीजर जो कि हमने स्प्रे बॉटल पर डाइल्यूट करके रखे हैं पानी के साथ, साथ ही साथ वैक्स पोल का ग्लास क्लीनर लिया है। यहाँ पर हमारे पास है वैक्स पोल का रबिंग कंपाउंड, इसके वजह से पेट्रोल टैंक के ऊपर में जो पेंट डिफेक्ट है छोटा मोटा उसको करेक्शन करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है 3M का टायर ड्रेसर। और ये रहा वैक्स पोल का न्यू जेन पॉलिश जो कि पेंटेड सरफेस पर आप यूज कर सकते हैं, एक सिलिकॉन पॉलिश है और यूज करने पर जो है पेंटेड सरफेस के ऊपर में हाइड्रोफोबिक लेयर भी क्रिएट होता है। यहाँ पर है दो येलो कलर के फोम एप्लीकेटर पॉलिश वगैरह को यूज करने के लिए और एक स्पॉन्ज भी लिया है, और साथ ही साथ एक ब्लैक कलर के टायर फोम एप्लीकेटर लिया है। और इस साइड में देखिए कुछ डिटेलिंग ब्रश है और एक मास्किंग टेप लिया है, और यहाँ पर कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। और ये रहा दोस्तों स्टार क्यू का पॉलिशर मशीन। सारे प्रोडक्ट्स का परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है बाइक को करेंगे हम फोम वॉश और क्लीनिंग। दोस्तों जो मास्किंग टेप हमने लिया था उसको अभी यहाँ पर एग्जॉस्ट के ये वाला जो होल है यहाँ पर चिपका देंगे, ताकि फोम वॉश या फिर गाड़ी को नॉर्मल पानी से रिंस करने के टाइम पर पानी वगैरह एग्जॉस्ट के अंदर में ना जाए। सबसे पहला दोस्तों बाइक जो है उसको पूरा पानी से रिंस कर लेंगे। दोस्तों अभी इंजन के सरफेस जो है इसको डीग्रीज करेंगे, तो ऑल पर्पस डीग्रीजर कॉन्सेंट्रेट को जो हमने डाइल्यूट करके रखे थे स्प्रे बॉटल पर, तो इसको सिंपली जो स्प्रे कर देंगे। अभी जो डिटेलिंग ब्रश हमने लिया था इसके मदद से बस स्क्रब कर देंगे। रेयर ब्रेक के यहाँ पर भी ऑयल वगैरह लगा है, इसको भी क्लीन कर देते हैं। डीग्रीजर को जहां जहां यूज किए हैं उन सारे सरफेस को रिंस कर देते हैं पानी से।
तो देख सकते हैं दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ से क्लीन हो चुका है। दोस्तों एक सिंगल बाइक को फोम वॉश करने के लिए हमेशा याद रखिए पूरा फोम कैनन पर आपको शैम्पू पानी का सॉल्यूशन तैयार करके फिल नहीं करना है, उसमें जो है बेकार में वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हम इस 50 ml का जो बीकर है इसमें नाप के सिर्फ 40 ml शैम्पू को लेंगे और बाकी 300 ml के करीब जो है पानी मिलाएंगे। यहाँ पर शैम्पू का आप देख सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शैम्पू है। थोड़ा मात्रा में जो है पानी डाल देते हैं सबसे पहले फोम कैनन के अंदर में ताकि शैम्पू को मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो। अभी जो है इस 40 ml शैम्पू को यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। माइक्रोफाइबर स्पॉन्ज जो हमने लिया था इसके मदद से पूरा बाइक के बॉडी को रब कर देंगे ताकि डस्ट वगैरह जो लगा है वो निकल जाए। अभी दोस्तों एयर ब्लोअर की मदद से बाइक के बॉडी पर जितने भी पानी वगैरह लगा है उसको सबसे पहले ड्राई कर लेंगे। एयर ब्लोअर की मदद से ड्राई करने के बाद बाइक के बॉडी में थोड़ा बहुत जो पानी वगैरह लगा है उसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से जो है पोंछ देंगे। अभी दोस्तों ग्लास क्लीनर की मदद से हेडलाइट मिरर साथ साथ दूसरा जितने भी ग्लास सरफेस है उसको हम क्लीन कर देंगे, स्प्रे कर देना है। दोस्तों SP125 के सीट के जो लेदर है उसको क्लीन और रेस्टोर करेंगे। तो फोम वॉश करके डेफिनेटली दोस्तों सीट के लेदर उतना बढ़िया क्वालिटी से क्लीन नहीं होता जो कि लेदर क्लीनर को यूज़ करने पर होता है। तो ऑटोब्रश का लेदर क्लीनर और लेदर कंडीशनर जो इसको यूज़ करेंगे और जो बड़ा साइज का डिटेलिंग ब्रश हमने लिया था इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है लेदर क्लीनर को स्प्रे कर देते हैं के बाद इस डिटेलिंग ब्रश की मदद से बस स्क्रब करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से वाइप अप कर देंगे। तो सीट के लेदर को दोस्तों हमने क्लीन कर लिया है। अभी लेदर कंडीशनर जो है इसको यूज करेंगे, जो स्पॉन्ज हमने लिया था इसके मदद से लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो है बस कंडीशनर को यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसको दोस्तों लगाने के बाद जो है ड्राई करने के लिए जरूरत नहीं पड़ता, सिंपली जो इसको ऐसे स्प्रेड करके जो एक्सेस लेदर कंडीशनर लगा होगा उसको हम वाइप अप कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों सीट के लेदर जो है एकदम नया वाला सीट के लेदर जैसा रेस्टोर हो रहा है। तो इसकी वजह से वाइप अप कर देते हैं। तो बाइक के पेट्रोल टैंक पर जो छोटा मोटा पेंट डिफेक्ट है उसको हम करेक्शन करेंगे रबिंग कंपाउंड की मदद से। तो उंगली की मदद से जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में रबिंग कंपाउंड को पेंट के ऊपर में लगा देते हैं ऐसे। तो दोस्तों अभी हम पॉलिशर मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पैड जो है थोड़ा सा डैमेज हो गया है इसलिए यहाँ पर इस तरीके से बांधा है।
दोस्तों एसपी 125 बाइक में जितने भी मैट पेंट सरफेस है उन सारे सरफेस पर हमने जो मैट फिनिश पॉलिश को लिया था उसको यूज़ करेंगे। तो मैट पेंट पॉलिश को दोस्तों यूज़ करना जो है एकदम आसान है, सिंपली जो है स्प्रे करना है ऐसे, और उसके बाद जो है माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से इसको सिंपली वाइप अप कर देना है। दोस्तों मैट पेंट पॉलिश जो है ये पॉलिश कम क्लीनर है, तो इसके मदद से मैट पेंट को आप नया जैसा लुक में मेंटेन रख सकते हैं। वैक्स पोल न्यूजन सिलिकॉन पॉलिश जो हमने लिया था इसको यूज करेंगे पेंटेड सरफेस जितने भी है, मतलब ग्लॉसी पेंट के ऊपर में। इसके बाद फोम एप्लीकेटर इसके मदद से इसको स्प्रेड कर देते हैं ओवरलैपिंग सर्कुलर मोशन में। दोस्तों वैक्स पोल न्यूजन सिलिकॉन पॉलिश को जितने भी पेंटेड यानी कि ग्लॉसी पेंटेड सरफेस पर यूज़ किया था अभी 10 मिनट बीत चुका है, पॉलिश जो है पूरी तरीके से यहाँ पर ड्राई हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हर एक सरफेस को हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से जो है वाइप अप कर देंगे। तो यहाँ पर एक अलग माइक्रोफाइबर क्लॉथ मैंने लिया है। अभी दोस्तों बाइक में जितने भी ग्लॉसी पेंटेड सरफेस, मेटल सरफेस, साथ साथ ग्लास सरफेस है उन सारे सरफेस पर हम यूज़ करेंगे वेबएक्स कार्नोवा वैक्स को। तो थोड़ा मात्रा में जो है फोम एप्लीकेटर पर लेते हैं, डैब डैब करके थोड़ा सा लगाएंगे, उसके बाद ओवरलैपिंग सर्कुलर मोशन में जो है पूरा एरिया में जितने भी एरिया है पेंट का इसमें लगा देंगे। बाइक के जितने भी सरफेस पर वेबएक्स कार्नोवा वैक्स को लगाया था पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पास से भी मैं आपको दिखा था, वो देख लीजिए, देखिए पूरा जो है ड्राई हो चुका है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से वाइप अप कर देंगे। दोस्तों ऑटो स्पा क्विक साइनर जो है इसको अभी हम यूज़ करेंगे। तो बाइक के जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स है और साथ साथ इंजन सरफेस से वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मात्रा में लेता हूँ और यहाँ पर देखिए पेट्रोल टैंक के साइड में ये वाला पोर्शन जो है प्लास्टिक का है, तो यहाँ पर लगा देते हैं। तो सिंपली इसको लगाने के बाद दोस्तों आपको वाइप अप करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब चाहे तो वाइप अप कर सकते हैं लेकिन बिना वाइप अप किए भी रिजल्ट काफ़ी बढ़िया आता है। दोस्तों चेन के जो कवर है ये भी प्लास्टिक का ही है, तो यहाँ पर भी ऑटो स्पा क्विक साइनर को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिंपली स्प्रे कर देते हैं और साथ साथ जो ये साड़ी गार्ड है साड़ी गार्ड के ऊपर में भी थोड़ा सा स्प्रे करते हैं। इस डिटेलिंग ब्रश की मदद से इसको बस स्प्रेड कर देंगे।
दोस्तों अभी फाइनल स्टेप जो है बाइक के टायर रेस्टोरेशन, तो यहाँ पर 3M टायर ड्रेसर जो है इसको टायर फॉर्म एप्लीकेटर के वजह से टायर पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ा मात्रा में लेते हैं और साथ साथ यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में जो है स्प्रे कर देंगे। टायर के साथ साइड वॉल पर यूज़ करना है, टायर ट्रेड्स पर यूज़ नहीं करना है। अभी 7 से 8 मिनट हो चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पर टायर ड्रेसर जो है ड्राई हो चुका है और टायर पूरा रेस्टोर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर वाइप अप करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो टायर ड्रेसर लगाए थे वो एक्सेस नहीं था। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।